अक्षय कुमार शंभू बन फिर लौट आए हैं। ओ माय गॉड 2 में शिव भक्त का किरदार निभाने के बाद अक्षय कुमार ने अब महादेव के लिए एक नया गाना शंभू रिलीज कर दिया है। हालांकि ये गाना की और उनके फैंस के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि शंभू गाने में अक्षय कुमार ने सिर्फ किरदार ही नहीं निभाया बल्कि अपनी आवाज में सुर भी लगाए हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अब सिंगर भी बन गए हैं और उन्होंने अपना ये गाना महादेव के लिए गाया है। अक्षय कुमार के शंभू टाइटल वाला सॉन्ग रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। इस सॉन्ग वीडियो में अक्षय कुमार परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। उनका अवतार बेहद अलग है, उनके हाथ में शंख और डमरू है, साथ ही माथे पर त्रिपुंड शोभायमान हो रहा है। इस गाने को गणेश आचार्य ने डायरेक्ट किया है। वहीं गाने को आवाज खुद अक्षय कुमार, सुधीर यदुवंशी और विक्रम मोन्त्रोस ने दी है। शुरुआत से लेकर एंड तक गाने का पेस ऐसा है कि ये आपको बांध कर रखेगा। सुबह सुबह भगवान शिव के गाने को सुनकर अगर दिन की शुरुआत हो तो क्या ही कहना, और गाने को इतनी जल्दी ही इसीलिए रिलीज किया गया है। शंभू में अक्षय कुमार भगवान भोलेनाथ के अवतार में तांडव करते नजर आ रहे हैं। उनके कई रूप इसमें देखने को मिल रहे हैं, लिरिक्स से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक, और सबसे खास बात गाने का सेटअप बहुत ही जबरदस्त है। गाने का एक एक पार्ट आपका दिल खुश कर देने वाला है। वहीं अक्षय कुमार के एक्सप्रेशंस लाजवाब हैं। इस गाने में अक्षय ने सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं बल्कि डांस और एक्सप्रेशन से भी जान भर दी है। कभी डमरू बजाते तो कभी आरती घुमाते अक्षय ने इस 3 मिनट 22 सेकंड के गाने में ऐसे ऐसे सीन दिखाए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वहीं वीडियो के आखिर में अक्षय की तीसरी आंख दिखती है जिसमें से आग निकलती नजर आती है। ये सीन फैंस की नींदें उड़ा देने का काम करता नजर आ रहा है। बता दें कि अक्षय कुमार ने पहली बार अपनी आवाज में गाना नहीं गाया है। शंभू से पहले भी अक्षय कुमार कई गानों में अपनी आवाज दे चुके हैं। फिल्म टशन में भी एक्टर ने गाना गाया था। फिर एक्टर ने स्पेशल 26 में मुझ में तू गाना गाया था। स्पेशल 26 का ये गाना खूब पॉपुलर हुआ था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।